राजधानी में वर्षों से जमे गांधीनगर स्थित विदेशी शराब गोदाम प्रभारी हुकुम सिंह भदौरिया की शराब माफियाओं से सांठगांठ के चलते राजधानी सहित कई जिलों में शराब का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिससे जहां सरकारी खजाने पर चूना लग रहा है तो वहीं शराब सिंडिकेट व आबकारी अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता संतोष परिहार ने मुख्यमंत्री शिवराज से की गई शिकायत में कहा है कि हुकुम सिंह भदौरिया पिछले 15 सालों एवं जिंसी गोदाम प्रभारी प्रीति चौबे भी 12 साल से ज्यादा समय से भोपाल में रहकर करोड़ों की काली कमाई कर रहे हैं, जो कि सरकार की ट्रांसफर नीति के खिलाफ है। गांधीनगर विदेशी शराब दुकान से भोपाल संभाग के राजगढ़, विदिशा, बैतूल, सीहोर, होशंगाबाद आदि जिलों की 450 से ज्यादा दुकानों पर वैध और अवैध तरीके से सप्लाई की जाती है, जिसमें गोदाम प्रभारी हुकुम सिंह भदौरिया व फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी विवेक त्रिपाठी व सिंग्राम कंपनी के प्रशांत त्रिपाठी सहित कई कर्मचारियों की मिली भगत से राजधानी सहित आसपास के जिलों में अवैध तरीके से सप्लाई करते हैं। ये सभी गोदाम प्रभारी द्वारा हुकुम सिंह भदौरिया से मिलकर वेस्टेज, टूट फूट, लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर शराब की हेराफेरी कर खुले बाजार में बेचा जाता है, जिससे इन सभी को हर महीने लाखों की अवैध कमाई होती है।